ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। चातुर्मास में चातुर्मास्य व्रत के बारे में हम कुछ जानकारियां ले रहे हैं। भोजन के बारे में क्या नियम आए हैं, इसका हम एक विचार कर रहे हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों ने कहा है, क्या उचित है, क्या करना चाहिए, ये जो करने वाला है उसको, उस भक्त को सोचना चाहिए। हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या नियम हम बना सकते हैं, कौन सा नियम हम पाल सकते हैं पूरे चार मास तक। ये हर एक की प्रकृति, हर एक का व्यवहार, हर एक की जो दैनंदिन जो टाइम टेबल होता है उसके ऊपर वो निर्भर करेगा। लेकिन यदि छोटा सा भी कोई यदि हम नियम रखेंगे तो ये चातुर्मास के नियम से वो हमें फायदा ही करने वाला है। तो इसीलिए देव शयनी एकादशी से, देव प्रबोधिनी एकादशी से, उसमें जो होते हैं चार मास चातुर्मास, उसमें हम कोई क्या क्या नियम कर सकते हैं उसके बारे में हम सोच रहे हैं, एक विचार हम कर रहे हैं। एक विचार यहाँ ऐसा भी आता है कि पूरे चातुर्मास में गद्दी के ऊपर नहीं सोएंगे, कंबल बिछा के उसके ऊपर सोएंगे, या तो निद्रा के समय कोई चटाई जमीन के ऊपर बिछाएंगे और उसके ऊपर हम सोएंगे। गद्दी के ऊपर या कोच बेड के ऊपर नहीं सोएंगे, नीचे जमीन के ऊपर सोएंगे, और वो भी कोई चटाई या कोई कंबल बिछाएंगे और उसके ऊपर हम शैया करेंगे, और वो भी सूती वस्त्र के ऊपर शैया करेंगे। और देखो कि अभी जिनको कोई स्पाइन की कोई तकलीफ होगी, यदि कोई सर्वाइकल या लंबर का कोई प्रॉब्लम रहेगा मणके में हमारे, तो हमेशा डॉक्टर लोग कहते हैं कि आपको गद्दी पे सो के ऊपर या बिछाने के ऊपर सोना उचित नहीं है आपके सेहत के लिए, आप जमीन के ऊपर और जो सोने का जो आपका प्लेटफॉर्म होगा वो बिल्कुल सीधा रहेगा, आपकी पीठ से सीधी रहेगी, ये ऐसा ही बिछाने के ऊपर आपको सोना चाहिए। तो हमेशा वैद्य लोग या डॉक्टर लोग बताते हैं कि यदि कोई पीठ का दर्द हो तो आप कंबल पे सोना ही आपको उचित है, बेड के ऊपर या गद्दी के ऊपर सोना आपके लिए, सेहत के लिए वो अच्छा नहीं है, इससे आपका जो स्पाइन है वो बिगड़ सकता है, ऐसा बताते हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसा बोला है कि पूरे चातुर्मास तक हम ऐसा सोएंगे। हमारे यहाँ कोई हम व्रत कर रहे हैं, कोई जाप कर रहे हैं, जैसे कि गुरुचरित्र का पारायण हम 7 दिन करते हैं, कोई भागवत जी का पारायण हम 8 दिन करते हैं। तो ये पारायण जब हम करते हैं 7 दिन 8 दिन, तब पारायण के समय हम कभी भी गद्दी के ऊपर या बेड के ऊपर नहीं सोते, नीचे ही सोते हैं और कंबल के ऊपर ही सो जाते हैं, या तो कोई सूती वस्त्र बिछा के उसके ऊपर सोते हैं, ऐसा नियम हम रख सकते हैं। तो क्योंकि वो हमारे सेहत के लिए भी अच्छा रहता है और व्रत के लिए भी अच्छा रहता है। दूसरा एक है कि पूरे चातुर्मास में हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार या मास में एक बार हम मौन व्रत कर सकते हैं। या तो मास में एक बार करना हो तो पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं, 15 दिन में एक बार करना है तो एकादशी के दिन हम मौन व्रत रख सकते हैं, तो मास में 2 बार हो जाएगा, या तो हफ्ते में एक बार, तो कोई भी आपका जो अच्छा वार रहेगा, या तो बृहस्पतिवार या गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, तो कौन से भी वार आप चुन के एक बार हफ्ते में मौन व्रत कर सकते हैं। मौन व्रत यानी कुछ भी बात नहीं करना, बोलना नहीं है, बिल्कुल बोलना नहीं है, पूरा ताला लगा के रखना है हमारे मुंह को, कुछ भी बात नहीं करना, किसी के भी साथ बात नहीं करना, फोन के ऊपर भी बात नहीं करना, बिल्कुल हमारे बात करने के लिए, बोलने के लिए जो इंद्रिया होती है हमारे मस्तिष्क में, हमारे शरीर में, पूरा उनको विश्राम देना है,
इसी को मौन बोलते हैं। और जितना भी हम बात करते जाएंगे बोलते जाएंगे तो उतना हमारे मन को भी विकल्प मन में भी विकल्प आने वाले हैं, मन भी हमारा अशांत रहेगा। लेकिन जितना हम मौन व्रत रखेंगे उतना हमारा मन भी शांत रहेगा, क्योंकि मन के भी लिए मौन होता है, मन है और उसके बाद मौन है। तो इस चातुर्मास में ये भी हम नियम कर सकते हैं कि हफ्ते में एक बार, या तो 15 दिन में एक बार, या तो महीने में एक बार हम मौन व्रत रखेंगे। एक बार रख के तो देखो, कुछ तो उससे लाभ होने ही वाला है। यदि हम मौन व्रत रखेंगे तो उससे बहुत सारे लाभ होते हैं। तो एक बार हम मौन व्रत कर सकते हैं। जब हम मौन रखते हैं तो हमारे ब्रेन में जो विचार चक्र हमेशा चलता ही रहता है ना, उसको जरा थोड़ा विश्राम मिलता है। और जब हमारा भाषण या बोलना बंद हो जाता है ना, तो हमारा विचार करने वाला जो मन है, विचार करने वाली जो हमारे यहाँ पेशियां है, शक्तियां है, उनका जो हमेशा बोलते समय ह्रास हो जाता है, वो ह्रास तो थम जाता है, वो ह्रास नहीं होता, ये तो अनुभव आएगा। थकान नहीं महसूस होगी। बोलने से मानव ज्यादा थक जाता है, जितना ज्यादा बोलेगा उतना ही वो ज्यादा थक जाएगा, क्योंकि बोलने से वो भीतर से और बाहर से दोनों ओर से वो थक जाता है, मन से भी थक जाता है, शरीर से भी थक जाता है। तो जितना हम मौन व्रत रखेंगे तो हमारे मन को भी और शरीर को भी विश्राम मिलने वाला है। एकादशी के दिन हम मौन व्रत रखेंगे तो शरीर को कुछ हम खाने के लिए नहीं देंगे, तो शरीर का भी उपवास रहेगा और मन को भी कुछ खाने के लिए नहीं देंगे, मौन भी करेंगे, तो हमें दुगना लाभ होने वाला है। इसलिए मौन में तो प्रचंड शक्ति समाई हुई है। बहुत सारे लोग जो है ना वो कम बोलते हैं, और जो लोग व्यवहार में कम बोलते हैं ना उनका प्रभाव समाज के ऊपर ज्यादा रहता है। जो हमेशा बोलते बोलते ही रहते हैं ना, बात करते ही रहते हैं ना, उनका कोई नहीं सुनता, ऐसा सभी जगह पे अनुभव देखने को हमें मिलता है। जो लोग कम बोलते हैं उनका प्रभाव, उनसे लोग डरते हैं, उनसे जरा दूर रहते हैं, जरा संभल के चलते हैं उनके साथ, क्योंकि उनका प्रभाव रहता है। तो मौन से हमारा प्रभाव बढ़ने ही वाला है। तो मौन रखना इन दिनों में आप क्या कर सकते हैं, जब हमारा मौन रहेगा तो मोबाइल भी नहीं इस्तेमाल करेंगे, मोबाइल के ऊपर भी नहीं बोलेंगे, मैसेज भी नहीं टाइप करेंगे, क्योंकि मैसेज टाइप करने के लिए भी हमारा मन में तो विचार चलेगा कि जो बोलना है नहीं वो लिखेंगे तो विचार तो होगा ही। तो ये कर सकेंगे तो उससे और भी लाभ हो सकता है। तो हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए, हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए मौन तो बहुत सहायकारी हो जाता है। जितना भी हम व्रत करेंगे, जाप करेंगे, कुछ साधना करेंगे और उसके साथ मौन व्रत भी करेंगे तो हमारी साधना अच्छी ही होने वाली है और साधना में हमारी प्रगति ही होने वाली है। लेकिन मैंने जैसा बोला कि चातुर्मास में मौन व्रत का पालन करना, पूरे चार मास तक मौन रखो, ऐसा कोई कहेगा तो किसी को वो संभव नहीं होगा। तो हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार पूर्णिमा को तो हम रख सकते हैं। रख के तो देखेंगे क्या होता है। देखा जाए तो हम बोलते समय बहुत कुछ ऐसा बोलते रहते हैं कि जिसका कोई अर्थ ही नहीं रहता। कुछ ऐसा ही हम बोलते रहते हैं, निरर्थक बोलते रहते हैं कि उसका कोई परिणाम ही नहीं होने वाला, उसका कोई लाभ ही नहीं है, तब भी हम बोलते रहते हैं। और जो काम हमारा 2 या 3 वाक्यों में होने वाला है उसके लिए हम 25-25 वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादा से ज्यादा वो बोलते ही रहते हैं। 1-2 वाक्यों में हम बोल सकते हैं वही विषय, हम ज्यादा से ज्यादा वाक्य बोलते ही रहते हैं, उससे हमारी ही एनर्जी लॉस हो जाती है। तो ये मौन व्रत करने से होता क्या है, कम बोलने की हमें आदत लगती है और हमारी शक्ति जो होती है
वो बचा के उसका इस्तेमाल करने की आदत हमें लगती है। और यदि हम मौन रखेंगे तो मौन जब हमारा छूटेगा तो और भी उत्साह से हमारा मन और विचार शक्ति और शरीर भी कार्यरत अच्छा हो सकता है। तो हम तो दूसरे से बोलने के लिए नहीं जाएंगे, लेकिन दूसरा यदि कोई बोलने को उद्युक्त करेगा तो क्या करेंगे? तो दूसरों को यदि पता चलेगा कि आपका इस दिन मौन रहता है, तो यदि हमने ऐसा पकड़ लिया कि मेरा हर गुरुवार के दिन मेरा मौन रहेगा, मैंने डिक्लेयर किया, मेरे परिवार को, मेरे कुटुंब सदस्यों को, सभी को पता रहेगा कि मैं गुरुवार को किसी से बात नहीं करता, तो अपने आप सभी जगह पे वो अपने आप वार्ता फैल जाएगी और गुरुवार के दिन आपके साथ बोलने के लिए कोई नहीं आएगा। और कोई किसी बहुत सारे लोगों का ऐसा भी अनुभव है, यदि गुरुवार पे किसी का मौन होगा तो गुरुवार को फोन भी नहीं करते लोग, क्योंकि उनको पता है कि इनका मौन गुरुवार को होता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा तो समय जाएगा लेकिन उसका भी परिणाम हमें मिलेगा। तो इसीलिए मौन व्रत, भोजन के समय मौन रखना या पूरे दिन मौन रखना, किसी के साथ नहीं बोलना। तो यदि हमारा मौन व्रत होगा तो भगवान का नाम ले सकते हैं, कोई भगवत कथा करनी है तो वो कथा कर सकते हैं, कोई प्रवचन करना है, निरूपण करना है तो कर सकते हैं, और भगवान के बारे में यदि उपासना के बारे में कोई मंत्र जाप वगैरह होगा तो वो हम कर सकते हैं, लेकिन बोली भाषा जो होती है उसमें हम बात नहीं करेंगे। या तो वो भी जाप और कोई भी होगा वो मन में करेंगे तो उससे भी, जैसे हम वैखरी से यानी उच्चारण के साथ जाप करेंगे तो उससे 100 गुना फल हमें मन में जाप करने का मिलता है, ऐसा शास्त्रों ने बताया है। तो यदि हम मन से भगवान का जाप करेंगे तो उससे हमें ज्यादा लाभ होने वाला है। और भी कोई सारे नियम चातुर्मास में हम पालन कर सकते हैं। देखो, सूर्य नारायण जी को हर रोज प्रतिदिन 3 अर्घ्य दान देना, ये भी एक कोई नियम हो सकता है। अर्घ्य देंगे सूर्य नारायण को, या तो भगवान की पूजा करेंगे, षोडशोपचार पूजा करेंगे, हर दिन भगवान को कोई भोजन में नेवे भोग चढ़ाएंगे, हर दिन अभिषेक करेंगे, हर दिन तुलसी अर्चन करेंगे विष्णु जी के लिए, बिल्वार्चन करेंगे शिव जी के लिए, दुर्वांकुर का अर्चन करेंगे गणेश जी के लिए, ऐसा भी व्रत हो सकता है। कोई भगवती माँ जगदम्बा के लिए कुंकुमार्चन का नियम भी हम चातुर्मास में कर सकते हैं। या तो मैंने पहले वीडियो में जैसे बोला था कि 1 लक्ष चावल के दाने चढ़ाने का संकल्प करके प्रतिदिन 1100 या 1200 चावल के दाने नाम लेके, कौन से भी भगवान का नाम लेके उसी भगवान को यदि हम चढ़ाएंगे तो 4 मास के बाद लक्ष व्रत हमारा हो जाएगा, वो भी व्रत कर सकते हैं। कोई हम जाप लेंगे तो हर एक नियत संख्या जो करेंगे, हर दिन में 11 माला जाप करूंगा, 1 माला जाप करूंगा या सहस्र संख्या का जाप करूंगा, ऐसा कोई संकल्प लेके, ऐसी कोई संख्या निश्चित करके, एक कोई मंत्र लेके उसी का जाप हम 4 मास पर्यंत कर सकते हैं। और भी एक नियम हो सकता है कि कोई भी हमारे पास वाला जो मंदिर रहेगा, यदि हम ऑफिस में, स्कूल में, कोई बाहर निकलते हैं तो मंदिर लगता ही है हमेशा, वो हमारे एरिया में मंदिर है, तो हर दिन जाके भगवान का दर्शन करना, इतना ही नियम ले सकते हैं। और यदि हम ऐसा करेंगे एक ही समय में, हर दिन उसी समय में हम जाएंगे और दर्शन लेंगे, ऐसा नियम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन कोई भी मंदिर में जाके वो दर्शन करने का भी नियम हो सकता है, कोई भी मंदिर में जाके हम परिक्रमा यानी प्रदक्षिणा का भी व्रत कर सकते हैं। प्रदक्षिणा के बारे में मैं आगे बोलूंगा, किस कौन से भगवान को कितनी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। जैसे कि गणेश जी भगवान होंगे तो गणेश जी को 21 प्रदक्षिणा का व्रत कर सकते हैं, हर दिन गणेश जी को 21 प्रदक्षिणा का नियम हम कर सकते हैं। या तो पीपल के वृक्ष को प्रदक्षिणा परिक्रमा कर सकते हैं, या औदुम्बर वृक्ष को परिक्रमा का नियम हम कर सकते हैं। कोई भी वृक्ष परिक्रमा प्रदक्षिणा
मंदिर प्रदक्षिणा या तो भगवान की प्रदक्षिणा, इसका भी कोई नियम हम लेके प्रदक्षिणा व्रत भी हम चातुर्मास में कर सकते हैं, नमस्कार का भी व्रत कर सकते हैं, हर दिन कोई भी भगवान को मंदिर में जाके प्रणाम करने का नियम भी हो सकता है। कोई कोई नदी यदि हमारी पास वाली गांव के पास वाली नदी, उसका पानी यदि अच्छा होगा तो नदी में जाके स्नान करने का भी नियम हम ले सकते हैं, और वहां जाके स्नान और पितरों का तर्पण और भगवान की पूजा कर सकते हैं हम प्रतिदिन, तो नदी का स्नान का नियम हो सकता है। या तो हम घर में स्नान कर रहे हैं तो गंगा जी का स्मरण करते हुए स्नान करेंगे, ये भी नियम हो सकता है। कोई गायत्री मंत्र का जाप 4 मास तक कर सकता है, जिसको अधिकार है वो गायत्री मंत्र का जाप कर सकता है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकता है, कोई चंडी जा मंत्र का जाप कर सकता है, कोई सप्तशती का पारायण कर सकता है, कोई गुरुचरित्र का पारायण कर सकता है, कोई दत्त जी का मंत्र कोई लेके द्राम दत्तात्रेयाय नमः जैसे दिगंबरा दिगंबरा जैसे मंत्र कोई लेकर उसका जाप कर सकता है। चातुर्मास में यात्रा करने का प्रमाण जो होता है ना वो सीमित रहता है, क्योंकि हर जगह पे बारिश रहता है तो यात्रा करना बहुत कठिन हो जाता है, वो सरल नहीं रहती यात्रा, तो यात्रा का प्रसंग तो कम हो जाता है, तो एक ही जगह पे ठहरने का ज्यादा समय आ जाता है, तो इसीलिए आहार विषय के बारे में, खाने के बारे में, भोजन के बारे में ये जो नियम आ जाते हैं उसका पालन करने में हमें सहजता आती है और सहज हम वो नियमों का पालन कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई महापुरुष चरण करेंगे तो उसके लिए नियम तो हमें रखने पड़ते हैं, वो उस महापुरुष चरण के नियमों का उपासना का वो एक भाग रहता है नियम, ऐसा भी हो सकता है। स्त्रियों के लिए जैसे मैंने बोला कि चावल के दाने चढ़ाने का व्रत स्त्रियों के लिए ही है, कोई रुई के मणि करके और उसका कोई वस्त्र करके भगवान को चढ़ाने का व्रत कर सकते हैं, हर दिन शिव जी को या गणेश जी को किसी भी भगवान को हर दिन रुई का एक वस्त्र बना देना माला जैसा, उसको गेज वस्त्र बोलते हैं, माला वस्त्र बोलते हैं, ऐसा मणके का माला जैसा जैसी दिखती है वैसी ही रुई की माला, रुई के मणके करके उसकी माला की जाती है, उसको गेजा वस्त्र बोलते हैं, हर दिन वो गेजा वस्त्र चढ़ाने का भी नियम चातुर्मास तक हो सकता है। ये व्रत तो स्त्रिया कर सकती है, परिक्रमा का नियम भी स्त्रिया कर सकती है, बहुत सारे नियम है कि पुरुष भी कर सकते हैं, स्त्रियां भी कर सकती है, जो कोई नियम हमें अच्छा लगेगा वो हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सभी नियम पुरुषों के लिए है, स्त्रियों के लिए अलग सारे नियम है, ऐसा नहीं। जो जो हमने नियम अभी चातुर्मास के ग्रंथ में देखे हैं वो तो नियम पुरुष भी कर सकते हैं और स्त्रियां भी कर सकती है, दोनों के लिए वो इकट्ठा नियम है, कोई भी कौन सा भी नियम का आचरण कर सकता है। तो चातुर्मास जो होता है वो 4 महीने तक व्रत रख सकते हैं, लेकिन यदि हम 4 महीने व्रत नहीं रख सकते तो चातुर्मास में महत्वपूर्ण जो मास आता है उसको बोलते हैं सावन मास, श्रावण मास बोलते हैं। यदि हम 4 मास पर्यंत यदि व्रत नहीं कर सकते तो यदि हम केवल खाली सावन मास में यदि हम व्रत करेंगे तब भी हमें लाभ होने वाला है, क्योंकि सावन मास श्रावण मास ये बहुत पुण्य देने वाला मास हमारे यहाँ माना गया है। तो श्रावण मास की एकादशी करना, श्रावण मास में कोई एक पूरे मास पर्यंत यानी 30 दिन तक व्रत हम कोई भी लेकर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि नवनाथ ग्रंथ का पारायण सावन मास में करते हैं, गजानन महाराज जी का ग्रंथ का पारायण करते हैं, कोई दासबोध ज्ञानेश्वरी या तुकाराम गाथा का पाठ करवाते हैं, या तो सप्तशती का पारायण गुरुचरित्र का पारायण वो भी करवाते हैं करते हैं,
ऐसा भी नियम हम कर सकते हैं पूरे सावन मास में। बहुत सारे लोगों के यहाँ घर में ये पारायणी ये पारायण करते हुए लोग हम देख सकते हैं। तो ऐसा है कि चातुर्मास में धार्मिक व्रत जो आते हैं, चातुर्मास्य व्रत, ये चातुर्मास व्रत कोई धर्म व्रत करने के लिए, कोई व्रत रखने के लिए, ये पूरे चार मास जो है वो अग्रगण्य पूरे संवत्सर में बताए गए हैं। तो कोई भी नियम हम चार मास तक रख सकते हैं। तो इसीलिए पूरे चातुर्मास में जो हम व्रत का आचरण करेंगे, उन व्रतों के लिए, उन व्रतों के अंगभूत जो हमारे यहाँ आहार बताया है, आचार बताया है, क्या क्या नियम बताए हैं, इसके बारे में किसी जानकार पंडित जी के साथ या जानकार शास्त्री जी के साथ या हमारे कोई गुरु होंगे तो उनके साथ चर्चा करके हम तय कर सकते हैं कि ये व्रत हम कैसे करें, कब आरंभ करें, क्या क्या ये इस व्रत के नियम है, इसका उद्यापन होता है क्या, कैसे हम उसका उद्यापन कर सकते हैं, इनके बारे में पूरी जानकारी हम पहले लेंगे और बाद में व्रत करेंगे तो अच्छा रहेगा। और व्रत के बारे में हमें समझना ही जरूरी है, क्योंकि कौन कौन से व्रत के नियम अलग अलग से होते हैं, आहार विहार अलग सा होता है, नियम अलग होते हैं, तो उनका हमें पता होना जरूरी होता है। आधा व्रत करने से तो हमें लाभ नहीं होगा, व्रत करना है तो पूरा करना पड़ेगा। तो इसके बारे में कोई जानकार पंडित जी से या कोई किसी से यदि हम जानकारी लेंगे तो हमारे लिए वो अच्छा रहेगा। और हमारी क्या कामना है, हमें क्या चाहिए, इसका उच्चारण करके इसके लिए कौन सा व्रत करना है, कौन सा मंत्र लेना है, कौन सा पाठ करना है, ये भी चर्चा करना आवश्यक है। सभी नियम सभी व्रत सभी के लिए है ऐसा नहीं होता। को हमारे यहाँ अलग अलग मानवों के लिए अलग अलग से व्रत और नियम रहते हैं, तो किसी के साथ चर्चा करके समझ लेना और उसकी उसका संकल्प करवा लेना। पहले दिन संकल्प करेंगे तो उसको बोलेंगे महासंकल्प, यानी के देखो हमने लक्ष्य बार यानी एक लक्ष्य तक हमने कोई जाप करने का या कोई चावल चढ़ाने का या तुलसी दल चढ़ाने का कोई संकल्प लिया है चातुर्मास में, तो पहले दिन देव शयनी एकादशी को उसका महासंकल्प करेंगे कि भगवान आपके लिए मैं ये करने वाला हूँ, ये आपकी कृपा से ये पूरा हो जाए और इसमें कोई विघ्न ना आए और इसका मुझे ये फल मिलना चाहिए, इसीलिए मैं ये करता हूँ। ये सभी संस्कृत में हम उच्चार करेंगे और आज के दिन से आरंभ करके वो देव प्रबोधिनी एकादशी तक उसी दिन पर्यंत ये व्रत हम करेंगे, ऐसा करिष्य बोल के महासंकल्प करेंगे तो अच्छा रहेगा। हर दिन संकल्प जो होता है उसको नित्य संकल्प बोलते हैं, पहले दिन जो होता है उसको महासंकल्प बोलते हैं। तो पहले दिन महासंकल्प और हर दिन उसकी संख्या परिपूर्ति के लिए हर दिन जो संकल्प आता है उसको लघु संकल्प या नित्य संकल्प बोलते हैं। जैसे हर दिन का जो संकल्प आता है उसमें हम बोलेंगे पूर्व संकल्पोत्कीर्तित संख्या परिपूर्तये अद्य दिने अमुक मंत्रम अमुक वारम जपाख्यं कर्म करिष्ये, यानी पुरानी जो मैंने संकल्प तय किया है कि इतनी संख्या में चतुर्मास में पूरी करूंगा, तो वो संख्या की पूर्ति होने के लिए आज के दिन उसी मंत्र का इतनी बार मैं जाप करने वाला हूँ, ऐसा बोलना पड़ता है। तो इसको बोलते हैं लघु संकल्प या नित्य संकल्प बोलते हैं। तो चार मास के समाप्ति के बाद व्रत पूर्ति उसकी सांगता भी हो जाती है, जो उसके लिए जो विधि बताए जाते हैं कि कौन से भी व्रत की सांगता कैसी करनी चाहिए, उसका उद्यापन कैसा करना चाहिए, ये हमारे यहाँ बताया है, उसकी उसके बारे में भी जानकार कोई साधकों से बात करते वार्तालाप करके जानकारी लेके वो भी करना उचित रहता है, वो भी विधि अवश्य करे। और किसी किसी के मंत्र के जाप के बाद यदि आप जितना जाप करोगे उसके दशमान पद्धति से उसका हवन भी रहता है। जैसे कि
कोई भी मंत्र का हम एक लक्ष्य जाप करेंगे तो 1,00,000 जाप हो गया तो उसका जो 10% हो जाता है वो 10,000 हो जाता है, तो 10,000 आहुतियां हम अग्नि में उसी मंत्र से दे सकते हैं। जितना हम जाप करेंगे उससे 10% उसमें से 10% हम उसका हवन करेंगे, उस हवन की संख्या से 10% में उसका हम तर्पण करेंगे, तर्पण की संख्या का 10वां भाग वो मार्जन करेंगे और मार्जन संख्या का 10वां भाग जो है वो हम मानवों को भोजन देंगे। तो देखो, पहला होता है जाप, दूसरा होता है होम, तीसरा होता है तर्पण, चौथा होता है मार्जन और पांचवा होता है भोजन। यदि हम किसी भी मंत्र के ये 5 अंग ये चातुर्मास में पूरे करेंगे तो हमारा कोई भी मंत्र का पंचांग पुरस्चरण अपने आप होने वाला है। यदि हम कोई पंचांग पुरस्चरण करेंगे, जैसे कि हमारे हाथ को 5 उंगलियां है, यदि हम पूरी 5 उंगलियां हम मिटा देंगे तो वो मुष्टि तैयार हो जाएगी और अपने आप हाथ में ताकत आ जाएगी, लेकिन उसमें से एक भी उंगली यदि हम वर्ज करेंगे तो मुष्टि पूरी नहीं होगी और उसमें ताकत भी नहीं आएगी। तो इसीलिए 5 अंगों का कोई भी पुरस्चरण वो हम कर सकते हैं। चातुर्मास के बाद जो मंत्र हमने लिया है जाप के लिए उसका हवन भी हो सकता है, तर्पण भी हो सकता है, मार्जन भी हो सकता है, सब कुछ करके वो अनुष्ठान की हम पूर्ति परिपूर्ण कर सकते हैं। जो भी सन्यासी लोग होते हैं उनको यदि कोई पूछेगा कि आपकी उम्र क्या है तो उम्र में बताते समय वो बताते हैं कि जितने उनके चातुर्मास उनके सन्यास आश्रम में आए हैं उतनी ही उम्र वो बता देते हैं। यानी सन्यासियों का चातुर्मास जो होता है, हमारा तो चातुर्मास जो होता है वो 4 मासों का होता है, 4 महीनों का होता है, लेकिन सन्यासियों का चातुर्मास जो होता है वो खाली 2 महीने का ही होता है। तो इसीलिए वो जितने चातुर्मास उनके जीवन में आएंगे उतनी ही उम्र वो बताएंगे, इतना महत्व ये चातुर्मास को है और चातुर्मास को व्रतों को है, जो व्रतों का महत्व है। तो इसीलिए एक ही देखने से पता चलता है कि ये चातुर्मास को बहुत सारा महत्व हमारे यहाँ शास्त्रों में दिया है, व्रत ग्रंथों में दिया है और व्रत करने को, व्रत नियम करने को हमें कहा है। तो जरूर इसका जो भी कोई नियम, जो भी कोई व्रत आपको करना संभव होगा वो जरूर करें। उससे क्या लाभ होता है वो ध्यान में ले, उसका कोई निरीक्षण करे तो अगली पीढ़ियों को हम कुछ कह सकेंगे कि अरे बेटा ये करो, इससे ये फायदा लाभ होने वाला है। जैसे कि हमारे पुरखों ने हमें बताया, हमारे ऋषि मुनियों ने खुद करके हमें बताया है, वैसे ही हमें भी करना चाहिए। खुद कोई व्रत करे, खुद कोई नियम का पालन करे तो बाद में हम दूसरों को कह सकते हैं। ऐसा हम करके देखेंगे तो अच्छा रहेगा। ये चातुर्मास के बारे में हम और भी कोई जानकारी ले सकते हैं, लेकिन वो जानकारी हम आगे वाले वीडियो में जरूर लेंगे। ऐसे ही हमारे चैनल को जुड़ते रहे, जुड़ जाए, सब्सक्राइब करें। हमारा ये यदि विवेचन आपको पसंद आ जाएगा तो शेयर करें, दूसरों को भी सुनने के लिए कहे और बेल आइकॉन भी प्रेस करें और ऑल सिलेक्ट करें। ऐसा ही मैं, क्योंकि आगे भी आपको बहुत सारे व्रतों के बारे में और बहुत सारे त्योहारों के बारे में मैं जानकारी देने ही वाला हूँ। मंगलमूर्ति मोरया, नमो भगवते वासुदेवाय।